क्या हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू YouTube चैनल रैंकस 910, दिस इज प्रतीक। तो मेजर डिस्कशन ऑन द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, जी हाँ, इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। पहले तो हमें भी नहीं लगता था कि आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या आपका बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, बट इस समय मैं देख रहा हूं कि कोरोना का ग्राफ दिन पे दिन बच्चे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल की चीजें मैं बता दूं, सोनू सूद सर ने ट्वीट भी किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हेल्थ पहले है। तो मैं भी यही चाहता हूं यार कि आपका बोर्ड एग्जाम अब कैंसिल हो जाए, आपका बोर्ड एग्जाम या तो कैंसिल हो या तो पोस्टपोन किया जाए। ऑनेस्टली बताओ यार बच्चे, आप क्या चाहते हो, अपना मतलब थीम बता दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप चाहते क्या। ऑनेस्टली बताना, किसी के रूप में प्रेशराइज मत होना, किसी से प्रेशराइज मत होना। जो चीजें हैं आपके दिमाग में, नहीं भैया एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, नहीं भैया एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो चीजें में बताना यार, क्योंकि कोरोना का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कई जगहों पे संपूर्ण लॉकडाउन का भी माहौल लग चुका है। तो अब तो कैंसिल बनता है यार, बोर्ड एग्जाम अब कैंसिल बनता है, ठीक है। अब आपके द्वारा मैं बता दूं उनकी बातें कि उन्होंने कहा कि अभी अभी आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहे सीबीएसई कैंसिल बोर्ड एग्जाम, आजकल न्यूज पे आप भाग रहे हो, आजकल आप ट्विटर हैंडल पे ज्यादातर जा रहे हो, बच्चे आप अपने आपके अपने आप को आप लैग कर रहे हो, ठीक है। तो चीजें क्यों समझाई जा रही हैं आपको, देखो यार मेजोरिटी बात बता दूं भैया, वो उन्होंने बोला कि आपका एग्जाम हॉल जो है, जो एग्जाम हॉल मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल बढ़ा दिए हैं, बट एग्जाम हॉल के बाहर का जो क्रेटराइज एरिया है, जो बाहर जहां पे सब लोग रहते हैं, जहां पे पार्किंग होती है, जहां पे सारी चीजें की जाती है, वहां पे 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं हो पाती है, वहां पे वो मेंटेन नहीं होता। एग्जाम हॉल के अंदर बच्चों के सर्कल में आप कर सकते हो कि एक क्लास में लगभग 10 बच्चे रहेंगे, काफी दूरी पे रहेंगे, एग्जाम हॉल के अंदर की स्थिति ठीक है, बट एग्जाम हॉल के बाहर की स्थिति भी तो देखिए आप क्या चीजें चल रही हैं। बच्चों के हित में आप कब सोचना शुरू करेंगे सर। अब तो एग्जाम या तो आपका कैंसिल होना चाहिए, या तो आपका एग्जाम बच्चे कैंसिल होना चाहिए, या तो आपका एग्जाम अब पोस्टपोन होना चाहिए, या तो आपका एग्जाम अब पोस्टपोन होना चाहिए। इतना तो मैं भी अब चाहता हूं, क्योंकि मैंने यार देखा कि दिन पे दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो ठीक है यार, अभी के लिए आप इतना सोच रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुबह जब जगते हो आप, देखो यार आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे, ये चीजें आपको ठीक है चल रही है, बट आप जब बच्चे सुबह जगते हो, आप जब सुबह जगते हो तो आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आप क्या करते हो, तुरंत सर्च ऑन यूट्यूब लेटेस्ट न्यूज, सर्च ऑन यूट्यूब लेटेस्ट न्यूज ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, लेटेस्ट न्यूज ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सारी चीजें आप ये सर्च करते हो तुरंत, शुरू से लेके मतलब सुबह से लेके रात तक आपका माइंड सेट बन जाता है, क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा, क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्यों यार इन सब चीजों में आप फंस रहे हो, क्यों ये सब चीजें आप सोच रहे हो। अगर होंगे तो हम हैं, अगर होंगे तो आपके पेरेंट्स है बताने के लिए ना। आप इन सब चीजों को सर्च करने पे क्यों तौल पे आ चुके हो, क्यों ये चीजें कर रहे हो। अभी आप बच्चे अपने आप को लैग कर रहे हो, जिस हिसाब से आप पढ़ते थे, इस कंटिन्यूटी वे में पढ़ते थे, आप अब इस कंटिन्यू वे में हो गए हो, आप डेली का पढ़ाई नहीं करते हो, डेली का बस न्यूज के पीछे भागते हो, क्या चीजें चल रही हैं, बट आपको वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आप रोज सुबह उठ के क्या एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, इन सब चीजों को सोचना बंद करो। हाँ यार, अगर कैंसिल होना होगा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर एग्जाम कैंसिल होना होगा ना, अगर एग्जाम मान लो कैंसिल भी होता है, पोस्टपोन भी होता है, तो आपका जो एग्जाम है 12th वालों का 4th और 6th में से ना, ये जो आपके एग्जाम है, इनके 3 तारीख के रात को 12 बजे भी पता चल सकता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, या तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, या तो आपका एग्जाम कैंसिल, या तो आपका एग्जाम पोस्टपोन, या तो एग्जाम होंगे, ये चीजें में आपको पता चल सकती है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जिस वे में आप पढ़ाई करते थे, जैसे आप पढ़ाई करते थे वैसे आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई से दूर मत हटो यार, पढ़ाई से एकदम दूर मत हटो, ठीक है। हाँ, मैं भी मानता हूं पहले आपका हेल्थ है, मैं भी क्या कह रहा हूं यार कि आपका एग्जाम कैंसिल ना हो, आपका एग्जाम पोस्टपोन ना हो। और ऑनेस्टली बताना कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या चाहते हो, क्या आपके बोर्ड एग्जाम हो या आपके बोर्ड एग्जाम ना हो, क्योंकि जो पावर आपके अंदर है ना, क्योंकि पूरे ट्विटर को हिला डाला भाई ट्रेंड पे, एकदम पहले ट्रेंड पे हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम ना, तो चीजें हैं, पढ़ाई को सफर नहीं होने देना है यार। अभी आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो,
तो गाइडेंस करने के लिए हमें, मान लो कोई ऑफिशियल न्यूज आती है, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल न्यूज आती है नहीं भैया एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, तो मैं, हम लोग, हमारी टीम क्यों है यार, हमारी टीम आपको बताएगी ना एग्जाम कैंसिल होंगे या एग्जाम होंगे आपके, या आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे, ये चीजें बताने के लिए हम है ना, आप क्यों अपने आप को लाइक कर रहे हो, आप अपना समय उसमें क्यों व्यतीत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं आपको बताने के लिए, हम हैं आपके लिए बताने के लिए, अब हमारे पे इतना भरोसा नहीं करते हो, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आएगी, जब तक कोई चीजें नहीं होंगी, तब तक क्यों, क्या आपको लगता है अभी आप ये सब चीजें देख के एग्जाम हॉल में सारे एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, एग्जाम के अंदर सारी चीजें सही चल रही है बट एग्जाम के बाहर नहीं देखा जा रहा है ना, तो अभी इसके बारे में सारी चीजें चल रही हैं, फाइल्स दौड़ रही हैं, नहीं बोर्ड एग्जाम के बच्चों का कैंसिल होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, हाँ कराइए ना आप, जब ग्राफ कोरोना का नीचे आने लगे यार, कोरोना 2.0 है ये ना, जब आपका कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगे तब आप कराइए, बट अभी देख रहा हूं मैं दिन पे दिन यार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग की मृत्यु भी हो जा रही है इन सब चीजों में ना, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं यार, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि पढ़ाई करते रहो, और कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है, क्योंकि यार हम तो ऐसे नहीं कि यूट्यूब के पीछे व्यूज के पीछे भागेंगे, जो चीजें एग्जैक्ट होंगी जेन्युइन होंगी वही तो हम आपके पास बताएंगे, और हम भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम कैंसिल हो और पोस्टपोन हो, ऑनेस्टली बताना कि आप क्या चाहते हो, आपका एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या पोस्टपोन होना चाहिए, ठीक है। तो रही बात भैया किस स्ट्रेटजी पे पढ़ाई करें, तो आज आपका एक टाइम टेबल वाली वीडियो आने वाली है ना, टाइम टेबल वाली वीडियो आने वाली, उस वीडियो को भी आप देखना, उसे स्ट्रेटजी पढ़ाई करना, इस बार के एग्जाम में आप फोड़ोगे यार भाई, आपको टॉपर बनना है, आपको टॉपर, पहला एग्जाम क्या है, इंग्लिश है, टेंथ वाले बच्चे, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पे आप ध्यान दो, राइटिंग स्किल करो, स्कोरिंग, और 5 बजे डेली हमसे मिल लिया करो क्लास में, क्या प्रॉब्लम है, 5 बजे डेली शाम में मिल लिया करो, और ये जो राइटिंग स्किल पे ध्यान दो, थोड़ा आर्टिकल राइटिंग, ये सब चीजें करो यार, भाई अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप न्यूज के पीछे भागोगे, अगर आप हमारे भरोसा करते हो तो ऑफिशियल न्यूज कोई आती है तो हमारी टीम तुरंत आएगी यार वीडियो बनाने, तुरंत आपको निर्देश देगी, या तो आपके पेरेंट्स उतने उतावले हैं आपको खुद ही बताएंगे, नहीं आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, नहीं आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मैं भी जानता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका हेल्थ है, ठीक है भाई हेल्थ मैं भी मानता हूं, बट अभी अपने आप को क्या करना है, स्टडी फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चों जाओ पढ़ाई करो, ऑनेस्टली बताओ कि आप क्या चाहते हो, आपका एग्जाम कैंसिल हो या पोस्टपोन हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाइम टेबल वाली वीडियो आज शाम तक आ जाएगी, उसको भी देखना, ठीक है, बाय बाय। बहुत बढ़िया लगा, ऐसे ही आप वीडियो को अपने सर्कल में सर्कुलेट कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।